नमस्कार, मैं हूं लुभाना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। रुक करते हैं कोटपुतली की ओर। एक भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर आज कोटपुतली दौरे पर रहे। दोपहर 3 बजे दिलावर स्थानीय आरटीएम होटल में प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विफलताओं, महिला उत्पीड़न, प्रदेश में व्याप्त बिजली व पानी की समस्याओं, दलितों पर निरंतर हो रहे अत्याचार, किसान बिल को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जेब कट कहकर संबोधित कर डाला, तो वहीं कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष के अभाव में डेवलपमेंट पर मीडिया द्वारा सवाल किए जाने पर बौखलाए मदन दिलावर ने कहा कि आप ही लोगों ने आपदा प्रबंधन मंत्री बनाया है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि मीडिया तीसरी चौथी आंख हुआ करता है। प्रेस वार्ता के दौरान विराटनगर पूर्व विधायक फुलचंद भिंडा, कोटपुतली भाजपा प्रत्याशी मुकेश गोयल सहित स्थानीय चारों मंडल प्रमुख सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस की नहीं है इसलिए दूसरे लोगों को प्रलोभन देकर के, उनको संरक्षण देकर के और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमले करवा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता से करने वाले नहीं है, मौका आने पर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कृषि कानून को कुछ लोगों ने मुद्दा बनाया। कृषि कानून आम किसानों के हित में, जनता के हित में, और जिसमें साफ साफ स्पष्ट है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सही मायने में किसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी लगातार जनता में घूमता हूं, किसानों से मिलता हूं, और किसान कहते हैं कि हमारा फायदा ही फायदा है, क्योंकि इन्होंने एक बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कृषि कानून के माध्यम से कि कृषि उपज मंडी में जो माल किसान बेचता है वह यथावत बेचता रहेगा, उसमें कोई अवरोध नहीं होगा, लेकिन वो बाहर भी बेच सकता है। ये सरकार की कमी है, नाकारा है, कुछ काम करती नहीं है, इसलिए सारी बातें मुझे जनता के सामने रखना था, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैंने आपको बताया कि किसानों के साथ किस प्रकार से अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 10,000 रुपये प्रति किसान का बिजली का बिल माफ किया जाता था, 2.5 साल तक इस सरकार ने रोके रखा, यानी 25,000 रुपये प्रति किसान का लूट लिया, यानी 25,000 रुपये प्रति किसान की जेब काटी है अशोक जी गहलोत साहब ने, और अशोक जी गहलोत साहब से बड़ा जेब कट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया है। 8.5 लाख लोगों का जो सहकारी समितियों से लोन लेते हैं, और लोन लेते समय ही उनके बीमे की किस्त लोन देने वाली सहकारी समितियां काट लेती है, जिसको बीमा कंपनी को जमा कराना था, इस सरकार ने वो 8.5 किसानों का बीमा जमा नहीं कराया है। इसके कारण से जो खराबा हुआ है फसल का वो किसानों को नहीं मिलेगा और पिछले साल भी नहीं मिला है। इससे साफ जाहिर है कि ये किसानों के और दुश्मन हैं। यदि वो बीमा जमा हो जाता तो जो किसान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, स्वर्गवासी हो गए, उनके परिवार का सारा कर्जा माफ हो जाता और 10-10 लाख रुपए उनके परिवार के परिजनों को जो बच गए हैं उनको लालन पालन में वो पैसा सहायता करता, लेकिन उन लोगों में का माफ नहीं हुआ, इसलिए विधवा पत्नी को या छोटे बच्चों को अपनी जमीन बेच करके कर्जा चुकाना पड़ रहा है, जो इस सरकार ने अन्याय किया है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं कर सकता। कार्यक्रम में अभी कोटपुतली परिक्षेत्र के अंतर्गत पालिका बोर्ड भी कांग्रेस का है और विधायक भी कांग्रेस के हैं, राज्य मंत्री हैं, जिस तरह से कोटपुतली इस विधानसभा क्षेत्र का शोषण हो सकता है, कार्यक्रम जारी है, लेकिन विपक्ष को जिस तरह से भूमिका निभानी चाहिए वो नहीं आ पा रही है, आप इसके बारे में क्या कुछ? आपदा प्रबंधन के मंत्री आपके यहाँ के ही आपने बनाया है, बात तो सुनिए। हाँ, विपक्ष हमें करेंगे लेकिन आपका भी दायित्व बनता है, क्योंकि आप मीडिया जो है ना, तीसरी चौथी आंख होती है, सारी आंखों से देखती है,
वो भी इस बात का करें, हम तो करेंगे क्योंकि राजनीतिक पार्टी के सर, तीन साल निकल गए हैं कोई बात नहीं हो रही है, आप ये कह रहे हैं आपका प्रबंधन मंत्री हमने बनाया हम डिसाइड कर दिए, हमें तो हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट चाहिए, ये हमारे पूर्व चेयरमैन साहब बैठे हैं यहाँ पर महेंद्र जी, हम भी हमारे कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं कि यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए, निकम्मी सरकार कुछ करना ही नहीं है, ये तो जैसलमेर में रंगरेलियां मनाने जाती है, आरपीएससी में नोट खाने जाती है, एसीबी के लोग पकड़ते ही तो उनको अभियोजन स्वीकृति देने में नहीं देने में ये पैसे खा रही है, इनको लूटपाट के अलावा कोई दिख नहीं रहा है, ये अंधे हो गए हैं। सर विपक्ष जब तक रोड पे नहीं आएगा ना तब तक तो यही सब चलता रहेगा, कोटपुतली का विपक्ष रोड पर अब हमने तय कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कम से कम एक आंदोलन हर मंडल हर माह करेगा। सर हम तो सर मीडिया निभा रहे सर यहाँ पे विपक्षी भूमिका कोई नहीं निभा रहा सर, ये आपके सारे पदाधिकारी।